तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक होम थिएटर को रिपेयर करने वाला हूँ। होम थिएटर यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल ही है, तो भले इसमें ब्रांडिंग किसी और कंपनी की हो लेकिन ये लोकल है जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाता है। इसमें बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है देखने के लिए, तो आज एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है, चलिए आपको दिखाता हूँ। इसको ऑन करता हूँ सबसे पहले। ऑन करने पर आप यहाँ पर सुन रहे होंगे एक हमिंग सा साउंड, बिल्कुल करकरा सा आ रहा है इस के अंदर, जो सबवूफर लगा उसके अंदर से। और साथ में मैंने जब इसको सीरीज में टेस्ट करा तो सीरीज का बल्ब भी हल्का सा ग्लो हो रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें छोटी सी ऐसी प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग की हो सकती है, आईसी जो भी है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पर हो रहा है। अब जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका सोल्यूशन इस वीडियो में मैं करके आपको बताऊंगा। साथ ही इसमें जो मेन वायर इसमें लगा रखी है ना, ये जगह जैसे कटी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से जुगाड़ पन्नी वगैरह बांधी है, बट ये हम बाद में वायर भी चेंज करेंगे। तो जो अभी प्रॉब्लम अंदर से आ रही है उसको हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम असल में है कहाँ से। तो सबसे पहले मैं जितने भी इसमें स्क्रू यहाँ पर दिख रहे हैं उनको खोल के इसका सर्किट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके सारे स्क्रू खोल लिए। स्क्रू खोलने के बाद ये है इसका सर्किट, और सर्किट भाई इसका कहीं पे भी फिक्स नहीं किया हुआ है, ये गिरा हुआ है। तो मुझे लगता है इसके स्क्रू वगैरह भी कहीं से खुले हुए हैं, तो इस सर्किट इसमें यहाँ से गिरा हुआ है। पहले मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ पूरा ये सर्किट। अब यहाँ पर जो लोकल होम थिएटर होते हैं ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इसके हीट सिंक की होती है। भाई हीट सिंक की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इतनी पतली इसमें हीट सिंक दी गई है जिससे ओवर हीट होने से है ना आईसी इसमें खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं हीट सिंक कितनी पतली इसमें दी गई है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर पा रहे हैं वो कहाँ से आती है, वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए आती है डायोड से, या तो कोई आईसी खराब हो या तो इसकी डायोड खराब हो। अब यहाँ पर देखिए वैसे तो नज़र पड़ते ही मैंने देख लिया इसकी डायोड यहाँ पर खराब है। चलिए थोड़ा जूम करके दिखाऊँ डिटेल से ताकि आप लोग भी यहाँ पर देख पाए। तो इसकी ये डायोड यहाँ पर फटी हुई है, इसकी सेकेंड नंबर की डायोड यहाँ पर, इसमें देखिए ये फटी हुई है, इसमें एक हल्का सा ये क्रैक आया हुआ है। ये डायोड फटने की वजह से क्या हो रहा है कि यार ये डीसी प्रॉपरली नहीं बना पा रही है, और प्रॉपरली डीसी नहीं बनेगा तो होगा क्या, आगे प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं उसी का सोल्यूशन करेंगे। एक डायोड यहाँ पर जो खराब है उसको निकालेंगे, यानी कि जितनी भी खराब है भले एक हो दो हो उसको हम यहाँ पर निकाल के उसकी जगह हम दूसरी डायोड को लगाएंगे। सर्किट कहीं ना कहीं पे फिक्स था, उसको हम अभी फिक्स कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ और डायोड को टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। डायोड को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को हम डायोड बजर मोड पे रखेंगे और यहाँ से एक एक करके हम डायोड को चेक करते हुए चलेंगे। सबसे फर्स्ट डायोड को चेक करते हैं, इसमें शॉर्टिंग आ रही है, सेकेंड में शॉर्टिंग आ रही है, थर्ड में भी शॉर्टिंग है भाई, फोर्थ में भी शॉर्टिंग है। आप देखिए हम एक एक करके निकाल के चेक करेंगे। काफ़ी बार क्या होता है ना सर्किट में ये जो डायोड्स हैं इनमें शॉर्टिंग किसी एक डायोड के खराब होने से भी दिखाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम एक एक डायोड की लैग को हम ऊपर कर लेंगे, कंफर्म करने के लिए ये हम कर लेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी वायर्स हैं तो इन वायर्स को मैं थोड़ा सा पीछे कर लूँगा ताकि ये दिक्कत ना करें। देखिए किस तरीके से पूरा झमेल बना रखा है वायर का। देखिए अभी जो चारों डायोड्स लगी हैं उनमें से हम क्या करेंगे, एक एक डायोड की लेग को हम बाहर करते हुए चेक करेंगे, यानी कि एक लेग फ्री हो जाएगी तो तब हम डायोड को फ्री करके चेक करेंगे। तो चलिए सभी के लेग उठा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डायोड की लेग को उठा के यहाँ पर देख लिया है। अभी इस डायोड को हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसकी एक लेग को उठा के देख लिया, ये सर्किट से एक लेग ओपन है, अब चेक करेंगे तो इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो परफेक्टली यहाँ पर आ रही है। अब इसकी दूसरी डायोड जो है उसकी लेग अपने उठाई नहीं है, उसकी लेग को उठाएंगे और इसको हम फिक्स कर देंगे क्योंकि ये खराब या फिर शॉर्ट नहीं है। ठीक है, इसको फिक्स करके दूसरी लेग को उठाएंगे, यानी कि इसमें एक या दो डायोड ही हैं जो शॉर्ट हैं। चलिए इसको हम फिक्स करके इसके साथ जो दूसरी लगी है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बगल वाली जो फटी थी हमने उसकी लेग को ऊपर किया, और ये देखिए ये शॉर्ट है, ये डायोड फुल्ली शॉर्ट दिखा रही है, और इसके बगल वाली उसमें शॉर्टिंग नहीं आ रही है, इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है।
सभी की वैल्यू एक बार देख लेता हूँ बाकी की। इसमें भी ठीक है वैल्यू इसकी, और इसकी वैल्यू भी फिट है। बस ये शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर भाई पूरे सभी डेप्थ में ये शॉर्टिंग दिखा रहा था। तब इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकाल के इसी के ऊपर हम दूसरी डायोड को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर एक बार ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फुल शॉर्ट है डायोड, ये शॉर्ट होने की वजह से हमिंग मार रहा था। ये देखिए ये क्रैक इसमें आया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी डायोड को फिक्स करेंगे, जिसकी नंबर हो 5399, 1N5399। तो यहाँ पर इस वैल्यू की डायोड मुझे मिल चुकी है 1N5399। अब इसका जो सिल्वर पट्टी है वो इस तरफ को रहेगा, जैसे नीचे इसमें मार्क किया गया बिल्कुल वैसे ही इसको हम फिक्स कर देंगे। सिर्फ एक डायोड के शॉर्ट होने की वजह से ये यहाँ पर पूरे सर्किट में शॉर्टिंग आ रही है, और शॉर्टिंग जो बनती है ना उसके बाद भाई इस तरीके की हमिंग देखने को मिलती है। और इसके बाद है ना इसमें जो सामने कार्ड लगा रहेगा वो भी काम नहीं करता, ऐसी कंडीशन में कार्ड भी काम नहीं करता। तो काम हो गया अपना, अब इसमें कनेक्शन करता हूँ फिर आपको एक बारी दिखाता हूँ। तो फाइनली इसमें कनेक्शन कर लिए, एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने एक बार चेक करूँगा कंफर्म करने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं। फिर तो उसके बाद हम लीड जो खराब है वो भी चेंज कर देंगे। देखिए अब प्रॉपरली काम कर रहा है, FM मोड इसने यहाँ से अब काम करने लगे प्रॉपरली। देखिए अभी सामने से आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए कार्ड भी काम कर रहा है, और यहाँ पर ये तो यहाँ पर जो इसके अंदर स्पीकर है बेस का वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा हो गया है, बस एक डायोड के शॉर्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम इसमें देखने के लिए मिली। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बहुत ही लोकल वाला होम थिएटर है, जिसकी जो इसमें आप देख रहे हैं हीट सिंक की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। तो इसकी हीट सिंक को आप थोड़ा सा अगर मोटा कर देते हैं तो इसकी IC बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी, यानी कि आपका ये टिक सकेगा। तो यहाँ पर भाई लोकल क्वालिटी के देने की वजह से काफ़ी बार हो जाता है, प्रॉब्लम छोटी मोटी देखने के लिए मिलती हैं। तो आप इम्प्रूव अपने हाथ से भी इसमें कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। शुक्रिया।